नमस्कार दोस्त, मैं रविंदर फर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग वास्तविक संख्या में पहले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे उसको मैं जल्दी से देख लेता हूँ। देखिए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं एक के का, और इसमें आप लोगों का हमें आज क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर दस। देखिए स्टूडेंट, आपको हम एक ही चीज बता रहे हैं कि हमेशा आपको एक ही चीज याद रखना है कि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, यहां जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, वो आपके परीक्षा की दृष्टि से जरूर आपका कहीं 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q+1 या 4q+3 के रूप में होती है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक आपका बोला है धनात्मक, तो हम यहां पे कोई एक संख्या धनात्मक मान लेते हैं। ठीक है, कोई धनात्मक हम लोग मान लेते हैं। माना हल में माना विषम धनात्मक पूर्णांक इस मान के, ठीक है, माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, इस मान ए। अब इसके बाद क्या है, ये आपका जो दिया है 4q+1 4q+3 के रूप का, यहां पे हम एक चीज आप लोगों को बताया था यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड का प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड का प्रमेय आपका स्टूडेंट ये कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पे जो b का मान है स्टूडेंट, b का मान आपका 4 है। b का मान क्या है, 4। यहां देखिए 4q+1 यानी bq+1, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, यहां से हमारा जो है b का मान पता चल पा रहा है कि b का मान 4 है। जब भी b का मान जितना आता है उससे जो है आपका हमेशा जो है रिमाइंडर छोटा ही होता है, तो यहां पे आप बता पाएंगे स्टूडेंट कि r बराबर आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से हमेशा रिमाइंडर आपका कम ही आएगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो r का मान आपको बताया जाता है r का जो मान है आपका स्टूडेंट, वो हमेशा जो है 0 के बराबर या 0 से अधिक और b से कम होता है। अब b का मान हमारा क्या है, 4, तो हमेशा 4 से कम होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं।
हाँ अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, ये मानों को इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा पहला काम यहां पर आ रहा है ए बराबर, ए बराबर बी का मान हमारा चार है, चार रख लीजिए, चार क्यू और प्लस ये आपका जीरो, तो यहां चार क्यू प्लस क्या है जीरो। आर का मान भी हम सीरियल वाइज से रखते जाएंगे तो हमारा यहां पे आ गया ए बराबर, ए बराबर यहां पे आ जाएगा चार क्यू, क्या आ जाएगा चार क्यू, चार क्यू, चार क्यू में जीरो जोड़ेंगे, चार क्यू में जीरो जोड़ेंगे चार क्यू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ए बराबर वही चीज, ए बराबर चार क्यू प्लस जीरो के बाद क्या है एक है, तो चार क्यू प्लस कितना आएगा एक, तो यहां पे आएगा चार क्यू प्लस वन, ठीक है। इसके बाद ए बराबर चार क्यू प्लस आर का मान एक के बाद क्या है दो, तो यहां पे दो रखेंगे, तो ये आपका आएगा चार क्यू प्लस दो। फिर इसके बाद पुनः ए बराबर चार क्यू प्लस आर का मान दो के बाद क्या रखेंगे तीन, तो यहां पे रखेंगे तीन, तो ये आएगा चार क्यू प्लस थ्री। यहां से स्टूडेंट एक चीज हमको पता चल पा रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या चार क्यू प्लस यानी वन या चार क्यू प्लस थ्री के रूप में होती है, जहां क्यू क्या है पूर्णांक। तो यहां पे जो हमको मिल रही है संख्या, हमको विषम पूर्णांक आपका एक ठो ये वाला पॉइंट और एक ठो ये, चार क्यू और चार क्यू प्लस टू आपका सम, ये सम संख्या है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपके दोनों ये और ये दोनों संख्याएं जो है ये आपकी विषम पूर्णांक है, और चार क्यू और चार क्यू प्लस दो तो आपका सम पूर्णांक है। तो हमको ये बोला था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या चार क्यू प्लस वन या चार क्यू प्लस थ्री के रूप में होती है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। तो यहां पे आप बता पाएंगे, यहां से मान लीजिए हमने दो कॉमन ले लिया, तो ये आपका दो क्यू हो जाएगा, दो दुना के चार क्यू, और यहां से जो आपकी ये जो चार क्यू प्लस वन है तो ये इसी रूप में रहेगा। चार क्यू प्लस दो को भी हम लिख सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे, दो क्यू प्लस वन आ जाएगा, दो क्यू प्लस वन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों जो है ये और ये दोनों जो है ये सम पूर्णांक, क्या है सम पूर्णांक, लेकिन चार क्यू प्लस वन और चार क्यू प्लस थ्री के रूप का यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो यहां से आप बता लेंगे कि ए बराबर चार क्यू प्लस वन, ये आपका विषम पूर्णांक है, ये आपका विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक, और एक पहलू आपको बता दे रहा हूं कि ए बराबर चार क्यू प्लस थ्री, चार क्यू प्लस थ्री ये भी आपका विषम धन पूर्णांक है, ये भी आपका विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना आपको जानना था कि चार क्यू प्लस वन और चार क्यू प्लस थ्री के रूप में होता है। ठीक है, ये चीजें हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 3q या 3q प्लस वन या 3q प्लस टू के रूप में होता है। देखिए आपको यहां मैं बता दे रहा हूं, दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 3q या 3q प्लस वन
या 3q+2 के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, एकदम सेम वही काम आपको करना है स्टूडेंट। कि माना धन पूर्णांक यहां मान लेंगे आप लोग, माना धन पूर्णांक बराबर स्मॉल ए। ठीक है, अब वही बात यूक्लिड के नियम से यूक्लिड के नियम से ए बराबर BQ+R, ए बराबर BQ+R आप लोग जानते हैं कि जो R का मान होता है वह 0 से अधिक या 0 के बराबर और हमेशा B से क्या होता है, कम होता है। हमेशा बी से क्या होगा कम होगा। तो यहां पे हमारा बी का मान जो है 3 है, बी का मान क्या है 3। तो हम यहां पे लिखेंगे जो है बी बराबर थ्री। यहां से आप एक चीज को पहले लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो दिया है 3q, दिया है आपको 3q और दिया है 3q+1 और दिया है 3q+2। ये तीनों चीज आपको दिया हुआ, तो यहां पे b का जो मान आप रखेंगे, b का मान कितना रखेंगे 3, क्योंकि BQ+1 BQ+2 के रूप में, तो B का मान आपका 3 होगा। और जब B का मान 3 होगा तो आप R का मान भी यहीं से डिसाइड कर पाएंगे, यहीं से आप डिसाइड कर लेंगे कि R का मान क्या होगा। तो R का मान जो होगा स्टूडेंट, R का मान वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस इतना ही, 0, 1 और 2। अब क्या करते हैं, अब ये जो आपका समीकरण है इसी में मान को पुटअप करेंगे, बी के मानों को पुटअप करेंगे, आर के मानों को पुटअप करेंगे। अब कोई भी मान आपको बता दें, कोई भी मान, जैसे आपको बस पुटअप करने आना चाहिए बैलू, अगर आप पुटअप कर पा ले रहे हैं हर एक मान को तो आप अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से हल कर पाएंगे। देखिए जल्दी से हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर BQ, बी का मान क्या है, बी का मान हमारा यहां पे क्या है 3 क्यू और प्लस आर, आर का मान सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो 3q में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3q, यानी यहां पे 3q आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए बराबर वही 3q+0 के बाद क्या रखेंगे 1, तो यहां पे आएगा 3q+1 और यही वैल्यू पुनः 3q प्लस आर का मान, अब क्या बचा है, आर का मान 2 है, आर का मान यहां पे 2 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 3q+2। तो हमारा यहां पे वैल्यू एकदम करेक्ट डिफाइन हो पा रहा है, कि 3q 3q+1 और 3q+2 के रूप का होगा। तो हमारा यहां पता चल गया कि धन पूर्णांक किसी पूर्णांक क्यू के लिए 3q या 3q+1 3q+2 के रूप का होता है। तो यहां आप लिख देंगे कि 3q और 3q+1 3q+2 के रूप का
के रूप का होता है। क्या होता है? ये आपका धन पूर्णांक। किसी पूर्णांक क्यू के लिए जो धन पूर्णांक है 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आपका 11 नंबर का सवाल था, 12वां नंबर आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 12 नंबर आपका क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। 12 नंबर का सवाल थोड़ा सा बेहतरीन ढंग का है, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं पुनः कि इस सवाल में वही आपको काम करना है जो आपको काम आगे बताया गया है। हर एक मान में आपको हम बता दें कि वैल्यू को आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। दिख रहा होगा, देखिए दिखाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांक क्यू के लिए 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप में होता है। तो वही काम आपको करना है। माना, यहां लिखेंगे माना एक समधन पूर्णांक क्या है, ए, क्या है, ए मान ले। आज सेम वही काम आपका, यहां पे आपको दिया है यूक्लिड के नियम से, यहां पे आप लिखेंगे यूक्लिड के नियम से यूक्लिड प्रमेय से, ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड का प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर BQ+R। बार बार वही चीजें हमको लिखना है, A = BQ+R। बी का मान यहां पे आप डिफाइन कर पाएंगे किससे, 6q में 6 है 6q+2 में 6 है 6q+4 में 6। तो यहां से बी का जो मान होगा स्टूडेंट वो आपका 6 होगा और जो आर का मान होगा वह 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता, 6 आपका बी का मान। देखिए आप यहां पे आप वैल्यू को पुटअप करिए तो ए बराबर क्या आएगा, यहां से वैल्यू क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, ए बराबर बी का मान 6q+0 यह आएगा, यानी यहां पे 6q आएगा। यहां पे दोबारा रखेंगे ए बराबर 6q+ आर का मान अब एक रखिए, 6q+1 और तीसरा रखेंगे आप 2 रखेंगे, ए बराबर 6q+2। ठीक है, 6q+2 आएगा। आगे देखिए, आगे ए बराबर हमने 6q+2 आर का मान मैंने 2 रख चुका हूं, अब ए बराबर 6q+r का मान अब कितना है, 3 रख ली। अगला ए बराबर 6q+ आपका 4 है, 4 रख लीजिए। फिर अगला पॉइंट जो कि लास्ट है ए बराबर 6q+5
तो यहां पे हमको ये चीज दिखाई दे रहा है, यहां पे ओनली सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांक क्यू के लिए बोला है। तो देखिए हमारा सम धन पूर्णांक मिल रहा है, सम धन पूर्णांक आपका कहां पे मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे जल्दी से, ए बराबर सिक्स क्यू, ये आपका मिल गया, ये ए बराबर सिक्स क्यू प्लस टू, ये आपका मिल गया, और ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर, ये आपका मिला, तीन को मिल गया। अब तीनों आपको दिया है धन पूर्णांक किसी क्यू के लिए, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फोर के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये रियल में होता है। तो देखिए ए बराबर सिक्स क्यू, ए बराबर सिक्स क्यू को आप लिख सकते हैं ए बराबर दो का मल्टीपल द्वितीयाई छह यानी थ्री क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब इसी तरह ये वाला सिक्स क्यू प्लस टू है, ए बराबर सिक्स क्यू प्लस टू है आपका, तो यहां भी आप दो का मल्टीपल करेंगे तो ये सम मिल जाएगा, दो बाहर करेंगे द्वितीयाई छह थ्री क्यू प्लस वन, ये आपका हो गया सम में। एक और आपका ये है ए बराबर सिक्स क्यूब प्लस फोर है, इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो आपका द्वितीयाई छह प्लस दो, यहाँ पे ये भी दो का मल्टीपल, तो जो दो का मल्टीपल है यानी कि वो सम संख्या है, दो का मल्टीपल है यानी सम संख्या, यानी कि आपका प्रत्येक सम धन पूर्णांक किसी पूर्णांक क्यू के लिए सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर के रूप में होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था, ठीक है, यही आपके क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, ये है कि किस दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम होता है, सम या विषम होता है, सम या विषम होता है, ये तो आप इसको पिछली जो मैं प्रश्न कराया हूं जो पीछे अभी उसी पे आधारित एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सवाल नहीं आया तो मैं दोबारा इस सवाल को बताऊंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का सवाल ध्यान देंगे, 14 नंबर आपका क्या कहा है, चौदह नंबर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, दिख रहा होगा 14 नंबर वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें वर्ग वाली बात कर दिया है, वर्ग कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो वर्ग आप यहां से इस तरीके से कर पाएंगे, माना माना धन पूर्णांक बराबर इस मान ए, बार बार हम लोग ए मानते आए हैं, बार बार हम लोग क्या मानते आए हैं, ए मानते आए हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। माना धन पूर्णांक इस्माले, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला, थोड़ा सा बातों को यहां पे ध्यान देंगे, वर्ग बोला, वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए चार एम प्लस वन के रूप का होता है। तो यहां पे आप धन पूर्णांक क्या माने हैं, ए। यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिए इधर, यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय कहता है कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी का मान यहां डिफाइन हम लोग तुरंत कर लेंगे, बी का मान क्या चार, जैसे चार एम प्लस वन दिया ना, तो ये चार जो है बी का मान है, वही प्रश्न से ही हमको पता चल जाएगा कि b का मान क्या है, ध्यान दीजिए, b के मान के बाद
आर का मान तुरंत डिफाइन कर लेंगे। आर का मान क्या है, आर का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 4 से हमेशा कम होगा। ये 4 है तो 4 से कम होगा, 5 रहता 5 से कम रहता, 6 रहता 6 से कम करते, ठीक है। तो यहां पे हम आपको बता दें कि R का जो मान होता है हमेशा B से क्या होता है, कम ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए आप लोग, इसके आगे आपको क्या करना है, मान को इसमें पुट अप करते हैं। सबसे पहला मान A बराबर, ध्यान दीजिए, A बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान रखिए 4, क्यू प्लस आर, आर का मान आपका 0, 4 का आर का मान क्या होगा 0। तो यहां पे ए बराबर 4 क्यू में 0 जोड़ेंगे 4 क्यू आएगा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि यहां पे वर्ग बोला है, क्या बोला है वर्ग, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्यूब का वर्ग, ए स्क्वायर यहां से आएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन कर लीजिए, 4 क्यूब को 16, यहां से ए स्क्वायर बराबर 4, इसको ले लेंगे यम, 4 यम, ये आया, जहां यम बराबर 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, यम बराबर 4 क्यू स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर बराबर 4 यम आ गया, और हमें 4 यम के रूप में लाना भी था, ठीक है। अब हम लोग इरेज करके दूसरे वाले को देख लेते हैं, ये आर का मान 0 रखने पे ही हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग एक रख के दिया, एक इसमें हम लोग एक रख के चेक कर लेंगे वैल्यू क्या है, अब आगे देखिए, यहां पे a बराबर, ध्यान दीजिएगा, a बराबर वहां पे रखेंगे 4 क्यू प्लस r, r का मान हमने अभी पीछे 0 रखा, अब क्या रखूंगा 1, अब क्या रखूंगा 1, एक रख लीजिए। अब वही बात, क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर, इसको तोड़िए, इसको तोड़ने का प्रयास करिए, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का वर्ग 16 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 4 गुना के 8 क्यूब, 8 क्यूब को इसके पास लाइए, तो ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर
प्लस आठ क्यूब प्लस वन, ए स्क्वायर बराबर, इसमें से क्या कॉमन है, चार कॉमन है, तो चार चौको सोलह प्लस चार गुना के आठ प्लस वन, यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर चार, ये यम के बराबर, चार यम प्लस वन, चार यम प्लस वन, जहां 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 यम बराबर चार क्यू स्क्वायर प्लस दो क्यू, ये चार यम प्लस वन के रूप में भी आ गया, ठीक है, चार यम प्लस वन के रूप में आ गया। देखिए थोड़ा ध्यान से, चार यम प्लस वन के रूप में भी आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हमने जीरो रखा, एक रखा, दो रख के अब चेक कर लेते, हमको जो चाहिए था किसी धनांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, चार यम, चार यम प्लस वन, ये दोनों हमने पुट अप कर पाया, दोनों को मैंने सिद्ध कर पाया। अब बात रह गई कि दो और तीन रखने पर, दो और तीन को, दो और तीन को आप रख करके चेक कर लीजिए कि मतलब वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। परीक्षा में स्टूडेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में जरूर एक ठो प्रश्न ऐसा आता है, बच्चे क्या करते हैं कि इसी प्रश्न में कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं, लेकिन उसी गलती को आपको यहां पे क्या करना है, सुधार लेना है इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके। देखिए क्या करना है, ए बराबर यहां पे बी क्यू, तो बी का मान क्या है, बी का मान तो वही है चार, चार क्यू प्लस, यहां पे चार रखेंगे, यहां पे चार क्यू प्लस, हमने तो एक भी रख लिया, दो रखते चेक करते, दो तो दो रखी, दोनों को चुका अपना वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करिए, तो यहां आएगा ए स्क्वायर, यहां आएगा चार क्यू प्लस दो का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हल कर लीजिए इसको, ए स्क्वायर बराबर चार का वर्ग सोलह क्यू स्क्वायर प्लस दो का वर्ग चार प्लस चार गुना के आठ गुना के सोलह, दो चौको आठ गुना सोलह। अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर बराबर इन दोनों को साथ लेंगे तो चार क्यूब कॉमन ले, चार कॉमन ले लेंगे इसमें से, देखिए चार कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, ध्यान दीजिए यहां पे क्यूब, तो सोलह क्यूब स्क्वायर प्लस सोलह क्यूब प्लस चार, ये भी है, तो यहां पे ए स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, ठीक है, ये जो है आपका ए स्क्वायर, तो यहां से कॉमन लेंगे चार, तो ये आएगा चार क्यूब सोलह क्यू स्क्वायर प्लस चार क्यूब प्लस चार आपका रहेगा, इसको यम मानेंगे तो आपका ए स्क्वायर बराबर आएगा चार यम प्लस चार, ये आ गए, चार कॉमन ले लेंगे पुनः यम प्लस वन आ जाएगा। तो आपको ये चीजें नहीं करना है, ये चीजें आपको बस बताए हैं कि आपको सम लेने पर, यहां देखिए जीरो और एक लिए हैं तो हमारा चार यम और चार यम प्लस वन आया है, लेकिन दो और तीन लेंगे ना तो अलग अलग मान ये आपके सम संख्या में पूर्णक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना था, जीरो और एक लेना था और दो और तीन पे आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। तो आपको बस जीरो और एक लेकर के चेक करना,
जीरो और एक लेकर के परीक्षा में आपको सॉल्व कर देना है, जिससे मिल जाएगा 4m और 4m प्लस 1 के रूप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुनः आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी से ध्यान देंगे। ठीक, 15 नंबर का सवाल एकदम सेम पिछला सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा आपको समझना है यहां पे। अब देखिए यहां पर वही बात, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। यहां पे नहीं हो सकता है, वहां पे दिया था हो सकता है, यहां पे दिया है नहीं हो सकता है। हम लोग अभी चेक कर लेंगे होगा या नहीं होगा। देखिए माना माना धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक बराबर स्मॉल ए, स्मॉल ए हम लोग बार बार स्मॉल ए ही मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ए की जगह कोई और वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन ए जो है सुविधाजनक के लिए बहुत ही सही है। अब देखिए वही यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय ए बराबर BQ प्लस R। B का मान डिफाइन कर लेंगे प्रश्न से, B का मान क्या होगा 5 होगा। R का मान तुरंत यहां पे डिफाइन कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 पूरा होगा, ये R का मान आएगा, हमेशा 5 से क्या होगा कम ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा 5 से कम कर। देखिए करना क्या है, इसके आगे R का मान मैंने रख लिया, अब मानों को पुट अप करेंगे इसमें, फिर वर्ग करेंगे। तो यहां देखिए A बराबर B का मान आपका 5 है, 5 रख लीजिए, 5 क्यूब प्लस R है, R का मान 0। यहां से वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहां होगा A² बराबर 5 का वर्ग 25 Q² यहां से आप कॉमन ले लेंगे तो A² बराबर 5 कॉमन लेंगे यहां से तो 5 Q² आएगा, क्या आएगा 5 Q² ठीक है 5 Q²। तो यहां से हमको एक चीज पता चल रहा है कि A बराबर जो है 5, इसको हम लोग लेंगे यम, तो 5m के रूप का आ गया, किसके रूप का आ गया 5m, जहां यम बराबर 5 क्यूब स्क्वायर ये आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या करता है, आगे हमको पुनः वही आपको करना है। देखिए 5 क्यूब आ गया, 5m आ गया, हमको 5m प्लस 2, 5m प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं वही चेक करना है। तो हमारा 5m आया, अभी तो ये 5m प्लस 2, 5m प्लस 3 नहीं आया। ठीक है, अब तक तो सही है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, ए बराबर यहां पे हो जाएगा आपका 5 क्यूब प्लस R का मान 1 रख लेंगे, 5 क्यूब प्लस 1 रख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात, यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो A² बराबर 5 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर वर्ग करिए तो ये आया A² यहां से A + B² + 2A 2AB
तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 5 का वर्ग 25 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, ये देखिए 5 गुना के 10 क्यू। यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा यहां से स्टूडेंट, यहां से आएगा क्यू स्क्वायर प्लस 5 ना के 10 2 क्यू प्लस 1, यानी यहां पे आया ए स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1। यहां पे m बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2q, तो यहां पे 5m प्लस 1 आ गया, यहां पे आपका 5m आया है, यहां पे आपका आया है स्टूडेंट, जल्दी से ध्यान देंगे इस बात को, यहां पे आया है 5m, यहां पे आया है 5m प्लस 1। आप ही स्टूडेंट बताइए कि यहां पे हम लोग को बताया था किसी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर, वर्ग करके यम के लिए 5m प्लस 2 या 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता, तो हमने उसको प्रूफ भी कर दिया दो वैल्यू लेकर के कि b का मान 5 और r का मान 0 लेकर के सिद्ध किया, तो a बराबर 5m आया, और यहाँ पे हम b का मान 5 रखे r का मान 1 रखे, इसका भी वर्ग करके हमने सिद्ध किया तो a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1 के रूप का आया, न कि 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 के रूप का आया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये एकदम क्लियर से दो रहा है कि यह जो है किसी पूर्णांक वर्ग के लिए जो यम का है मान 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको हम इतनी बातें बता दिए कि आपको सामने किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों का लगभग क्वेश्चन जो है हमने इतना करा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जानकारी आपको ये बताने के लिए था कि जरूर पेपर में आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वीडियो को देख करके आप अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।